तो दोस्तों अभी पाटलिपुत्र पठन ने बात करें वीडियो के रेगुलर वोकेशनल यहाँ पे सब के स्पॉट नामांकन पर यहाँ पे शुरू कर दिए देख पा रहे फिर से सर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो वोकेशनल कोर्स अगर आपका बीएससी यहाँ पर पोर्टल और अगर पीजी वोकेशनल एमसीए के लिए एमबीए के लिए पीजी डीसी रहे तो ऑप्शन पोर्टेबल दे दिया है ऑप्शन यहाँ पर। और देख पा रहे ऑफिस नोटिफिकेशन जारी कर दिए स्पॉट नाम को लेकर के बात करेंगे पीजी के यहाँ पर वोकेशनल स्पॉट नाम को लेकर के और यूजी के वोकेशनल। मैं आपको रिमाइंड यहाँ पे कर दूँ बता दूँ यहाँ पर पीजी वोकेशनल के सत्र यहाँ पर 24 से 26 में है। बात करें 23 और 24 को आपको रजिस्ट्रेशन की जाइए अगर आप फ्रेशर्स है तो रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पुराने स्टूडेंट जिनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया तो यहाँ पर बस ऑफ रेट आपको डाउन करनी है, करेक्शन तो करेक्शन कर देनी है 23 और 24 को। फिर 24 तक बात करें यहाँ पर आपको ऑफ रेट जाके जमा कर दीजिएगा अपने कॉलेज में ऑफ रेट रो एप्लीकेशन फॉर्म डाउन करके यहाँ पर। फिर 25 को मेरी लिस्ट है कि 26 को यहाँ तक आपको नामांकन ले लेनी है। और यूजी का भी उस तो वोकेशन का बिल्कुल सेम ही नोटिस है, तो इसमें आपको यही सेम ही कह रहा है इसका नोटिस बिल्कुल आपको इसी प्रकार यहाँ पर है जैसे हमने बताया। देखो करना क्या है admission.ppponline.in वेबसाइट पर आ जाओ, आने पर यहाँ पर आपको ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का फेसेस वाले इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूजी फाइनेंस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करिएगा। आप यहाँ पर दोस्तों डालिएगा बात करें डिटेल्स, आप अपने इंटरमीडिएट्स का डालिएगा, किस बोर्ड से आपने इंटर किया है, इंटर किस ईयर पास की हो, इंटर का एग्जाम का रोल नंबर, इंटर का रोल नंबर कोड कैप्चर रखिए इस पर। फिर इसका छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो कर लोगे। और पीजी के नामांकन लेने के लिए पीजी वोकेशन के लिए कोड यहाँ पर अपडेट हो रहा है, अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मांगेगा कि ग्रेजुएशन किस जो की आप यूनिवर्सिटी हो किस स्टेट हो, स्टेट चूज करोगे ग्रेजुएशन का और रोल नंबर डालोगे, फिर बात करें यहाँ पर कैप्चर डालोगे, ये वेरी आप छोटा सा रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर कुछ अकेडमिक रिजल्ट परसेंटेज डाल दें, फिर आपको एप्लीकेट ड्राइंग पर आ जाना है। यहाँ पर यूजर नेम डालिएगा, पासवर्ड और कैप्चर रखे आपको यहाँ से लॉग इन करनी है। तो उसके बाद देख पा रहे इस पोर्टल पर आ जाते हैं, नामांकन पोर्टल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको उसके नीचे यहाँ पे आ जाइए, नीचे आ जाइए और यहाँ पे ऑप्शन देखो मिल जाता है। यहाँ पर आपको और दूसरे नीचे आइए, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है आपको, सबसे पहले ऊपर ही नीचे ऑप्शन मिल जाता है करेक्शन का। आप जो से करेक्शन भी कर सकते हैं जिसमें प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, फोटो से नीचे आपको चेंज करनी है वो चीज कर सकते हैं। पीजी यूजी दोनों के लिए बना रहे हैं वीडियो है, अदर क्वालिफिकेशन चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो, करेक्शन का मौका दे दिया गया। कोर्स भी आपके चूज कर सकते हो, कॉलेज कोर्स चॉइस की दोस्तों यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया, अपना डिग्री चूज करके कॉलेज चूज करके ऐड कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर आपको करना है यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्पॉट ऑपरेटर पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसके उसके बात करें यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन पे करेंगे उनके लिए है, यहाँ पर डाउन ब्लैंक ओपन ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके यहाँ से डाउन कर लेनी है। बिलिस वाले को छोड़ के बिलिस इसमें नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आपका ऑफर लेटर आ गया, ये प्रोफेशनल ऑफर लेटर है, स्पॉट ऑफर लेटर है, जिसके द्वारा आप किसी भी कॉलेज का नाम कर ले सकते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका वर्टिकल रजिस्ट्रेशन, आपका क्या है यहाँ पर देख पा रहे वो देखने को मिलेगा, आप किसका एग्जाम कौन से क्वालिफाई किए हैं, फादर से डेट ऑफ बर्थ, डोमेसाइल, EWS और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, गैप है कि नहीं सब कुछ, वेट में कितना दोस्तों मार्क्स यहाँ पर है, मैक्सिमम मार्क्स कितना पर डाला था, ये सारे डिटेल्स। और जिसमें दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट यहाँ पर देख पा रहे उसके यहाँ पर आपका ऑफिस कॉपी जिससे आके कॉलेज जमा करना है, नीचे आपको स्टूडेंट का सिम स्टूडेंट कॉपी उसको आपके पास रखना है, वो रिसिप्ट दे देगा कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज नेम में कॉलेज का नाम डालिएगा, जो कॉलेज आपके नामांकन लेने के लिए जा रहे हैं, नीचे डिग्री लिखिएगा जिस डिग्री के आप नामांकन लेंगे, इस कॉन्फिडेंस में आपका नामांकन होगा और ये पार करके आपको दे दिया जाएगा आपको रिसीविंग के तौर पर। और डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे तो डॉक्यूमेंट्स ने बताया था, ऑफर लेटर आपको लगेगा, CLC लगेगा, बात करें यहाँ पर SLC और माइग्रेशन लगेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म पावर से पटना की वेबसाइट से वो और ऑफर लेटर डाउनलोड कर लोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। फिलहाल आपको बस ऑफर लेटर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके जाकर कॉलेज में जमा कर दी, फिर मेरी लिस्ट आएगी कॉलेज से, तीन कॉलेज वेबसाइट पर जाना है जाकर कॉलेज में नामांकन आपको ले लेनी है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया पार्षद पटना स्पॉट नाम को लेकर। वीडियो को लाइक करिए, इस अपडेट से दीपांत की चैनल से बने रहिए।